एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी फेसबुक किचन। जैसा कि आज आप फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि ये मिलेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको पंचकुला चंडीगढ़ के पास एक स्टोर है, रामा फ्लोर मिल्स, उसका कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि आजकल बहुत लोग अवेयर हैं कि हमें मिलेट खाना चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट शॉप है। और आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, वो इस तरह से लिख के देते हैं कि जैसे सबसे पहले उन्होंने फॉक्सटेल मिलेट, फ्रेश होता है बिल्कुल, फॉक्सटेल लिख के दिया है, जिसको हिंदी में कंगनी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ये सामा, इसको बानियार्ड मिलेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोद्रो, यानी कुडो, कोद्रा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, कोदो कोद्रा, है ना। अब आता है ये लिटिल मिलेट, कुटकी, तो ये मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। और ये है रागी, जिसको आप फिंगर मिलेट बोलते हैं। तो ये सभी मिलेट्स मैंने बाउल में निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि कैसे होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको रागी दिखाती हूँ। रागी देखिए कैसी लगती है, ये देखिए मस्टर्ड सीड्स की तरह आती है, ठीक है। तो रागी ये इस टाइप का होता है। और ये है आपका, देखिए दूसरा जो है कुटकी। रागी को आप फिंगर मिलेट बोलते हैं, और ये है कुटकी, देखिए देख रहे हैं ना आप पास से कैसा लग रहा है, हाथ में लेके दिखा रही हूं कितना बारीक होता है। ये लिटिल मिलेट कुटकी, और ये है कोदो कोदरा, थोड़ा सा ब्राउन है, ताकि आपको ना पहचान हो जाए कि किस टाइप का ये होता है। और ये है सामा, देखिए सामा के चावल होते हैं ना, जिसको आप व्रत में भी बनाते हैं। ये प्रोसेस्ड है, ये अनप्रोसेस्ड है, यानी ये जो व्हाइट कलर के हैं ना, ये वही है, सामा ही है। तो ये सामा के चावल हैं, ठीक है। दोनों में देखिए फर्क देख रहे हैं ना, बानियार्ड मिलेट बोलते हैं इसको। तो ये अनप्रोसेस्ड है, ब्राउन कलर का है। और ये है लास्ट में आपका फॉक्सटेल कंगनी मिलेट, ये कुछ इस तरह का होता है, लाइट येलो कलर होता है। और इस शॉप के बारे में मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसे पैकेट मिलते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है इनके पास, उतना ही थोड़ा बहुत रखते हैं ये, उतना ही फ्रेश लाते रहते हैं, बिकता रहता है। ये रागी का जैसे आटा है, मैं आपको रागी का आटा बनाना भी बताऊंगी, ये फ्रेश पैक करते हैं इस तरह से रागी आटा। और जैसे आपको जवार का चाहिए, फ्रेश होता है हमेशा इनके पास, जवार का आटा है, वहीं इनके बंदे साफ कर रहे होते हैं, वहीं बन रहा होता है। ये वरदान है इनका आटा, जो मुझे बहुत पसंद है, काफी सारी इसमें चीजें मिला के ये डालते हैं, और प्रोपोर्शन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वरदान आटा है, इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह से इनका ना गेहूं का मोटा आटा भी मिलता है, तो इसमें सर्कल लगा देते हैं, मोटा बेसन है, मोटा आटा है, यहीं से मैंने ये अलसी के बीज लिए हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। मैं सोच रही हूँ किसी दिन आपको स्टोर की विजिट कराऊं। तो ये छोटी सी वीडियो केवल मैंने आपको मिलेट्स के बारे में बताने के लिए बनाई है। फिर धीरे धीरे मैं इसमें आपको बताती रहूंगी कि कैसे इसका आटा बनाना है, कैसे इससे रेसिपी बनानी है। तो हमारी ये ना 5, 1, 2, 3, 4 and 5, ये 5 मिलेट्स हैं। ये मैंने सामा के चावल आपको दिखाने के लिए रखे थे, जो व्रत में खाते हैं वही ये चावल है, वही ये मिलेट है, तो बहुत अच्छे हैं। बाकी आपका बाजरा आता है, अलग अलग मिलेट्स आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले ये 5 मिलेट्स के लिए हम बात करेंगे। और मैं इनकी शॉप पे ले जाकर भी आपको दिखा सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, अगर आपको वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको और इसके बारे में पता करना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगी।